संदीप सर, ये जो स्थिति है, जो चर्चा चल रही है कांग्रेस को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का छोड़ करके जाने का सिलसिला चालू हुआ था, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कमजोर हो गई है या हो रही है और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में थे, तो माना जाए कि कांग्रेस की जो पनौती है वो भारतीय जनता पार्टी पे जाके चिपक गई। संदीप सर, राम प्रकाश जी, देखिए किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी संगठन का, संस्था का, समुदाय का असली परीक्षा तब होती है जब उसका चुनौती का समय होता है। तो वैसे आप और हमारे इंसानों की जिंदगी में भी हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारे बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं, और जब हमारे कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, तो जो हमारे सच में दोस्त होते हैं वो ही बचते हैं। बाकी सब लोग अवसरवादी होते हैं, हमारे पावर के पास आते हैं, हमारे से कोई उनका लोभ लालच होता है। तो कांग्रेस के साथ भी यही हुआ, कांग्रेस राज में रहने वाली राजनीतिक दल रही, और इसलिए बहुत सारे लोग जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, कांग्रेस के संगठन में जिन्होंने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ कांग्रेस से लेने के लिए आए थे, वो कांग्रेस से कुछ न कुछ लाभ के लेने के लिए आए थे, कुछ देने के लिए नहीं आए। और जब समय आया संकट का, तो वो पनौतियां सारी, जिनको आप पनौतियां कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक अलग इस्तेमाल करता हूं, मैं उनको घुन कहता हूं। और घुन जो होते हैं वो जितनी जल्दी किसी संस्था से दूर हो जाते हैं वो संस्था की बेहतरी के लिए होते हैं। तो कांग्रेस इस संकट के दौर में इस आग में तपी, और तपने में ऐसे घुन बहुत सारे अलग हो गए। एक तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा रहा, लेकिन उनमें से ज्यादा गए कहां? अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में गए। तो सोचना भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस से तो उससे बिल्कुल कोई कमजोर नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोगों से जाने से जो लोग इनसे चिंतित थे, जो लोग इनसे ज्यादा दुखी रहते थे, वो बेहतर काम कर पा रहे हैं संगठन में। साथ ही जो लोग, बहुत सारे लोगों का ये पनौतियां या जिनको घुन और जिनको अवसरवादी नेता कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को आने से भी रोकते थे, क्योंकि उनका कोई काम और विचारधारा नहीं होने के कारण वो वास्तव में जनता के साथ जो जुड़े हुए नेता थे या वैचारिक रूप से जो समृद्ध नेता थे उनसे भयभीत रहते थे। वो अपने आप को बचाए रखने के लिए असुरक्षित महसूस करते हुए उनके खिलाफ या तो षड्यंत्र करते थे या उन्हें आने से रोकते थे। तो ज्यादातर समय वो किसी राजनीतिक काम करने के बजाय अंदरूनी तौर पे षड्यंत्रों में बिताते थे, और घुमा फिरा के जाने अनजाने कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों का समय इसमें लगा देते थे। तो कांग्रेस के लिए पहली बात तो ये अच्छी हुई। हालांकि राजनीतिक दल में, कांग्रेस में एक चीज होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की छटने का मैकेनिज्म होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में। कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में, वामपंथ में या और अनेक पार्टियों में इस तरह का प्रोसेस होता रहा है, और वो उन सब लोगों को पहचान लेते हैं, उन सब लोगों को की जो अनुशासनात्मक कार्यवाही उन पे समय समय पे होती रहती है, तो ऐसे लोगों से बचा जा सकता है। बाकी हमारे पास इंसानों को टेस्ट करने की कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। इससे ये जो नैरेटिव आया कि कांग्रेस कमजोर होगी, वो नैरेटिव तो बिल्कुल मीडिया का बनाया हुआ था। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। मैं आपको कांग्रेस का इतिहास ही बताऊं कि कांग्रेस में जब जब संकट आया है पूरे अपने बनने के बाद से, उसके बाद कांग्रेस मजबूत हुई है कमजोर होने के बजाय। और ये होता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो संकट के समय अपनी विचारधारा पे, अपने काम पे अडिग रहे तो वो बेहतर होता है। इंसानों के साथ भी है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ भी है। संकटकालीन व्यवस्थाएं जो अपने को बचा लेती हैं संकट में, वो ज्यादा बेहतर होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली चुनौती तो ये है, देखिए हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो भर्ती की है भाजपा ने, और इसके कारण ये तय भाजपा में इस तरह की चर्चा होने लगी कि कौन असली भाजपा वाला है, कौन बाहर से आया हुआ है। तो ये साफ हो गया इस चुनाव में
कि जिन्होंने भाजपा के संगठन में अपना वक्त दिया था, अपने जीवन का हिस्सा दिया था, और वो किसी न किसी रूप से उस विचारधारा को, जिससे मैं सहमत नहीं हूं वो अलग बात है, सहमति असहमति, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते थे, ऐसे लोगों को इन बाहर से आए हुए लोगों ने न केवल रिप्लेस किया बल्कि वो हतोत्साहित हुए, और वो हमने चुनाव में देखा ऐसे सारे लोगों को, चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो सच में तो जनता के बीच क्रेडिबिलिटी उन्हीं लोगों की थी, और भाजपा ने इन लोगों को भर के जनता के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी और कम कर दी। और एक चीज सोचिए कि जो जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो मौसी की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। वो सब दिखावा होता है। जो कांग्रेस से इतने लाभ लेने के बाद कांग्रेस का नहीं हो सका, वो भाजपा का क्या होगा? और अब तो अंतिम वाक्य ये है कि अब तो भाजपा में कौन भाजपा का है, कौन नरेंद्र मोदी का है, कौन किसका है, इसका इतना घालमेल हो गया कि भाजपा एक झुंड जैसा बन के रह गई है, और राजनीतिक पार्टी को कभी झुंड में तब्दील होना बहुत उसके लिए खतरनाक होता है। ये जो मैं आपसे पहले सवाल पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी, ठीक है वो जब भी टूट फूट हुई है कांग्रेस मजबूत हुई है, रिवाइवल का क्या कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो रिवाइवल का सही समय है? कांग्रेस में जो भी अभी बचे खुचे नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए काम नहीं करते हैं, उनको कांग्रेस सही जगह पर पहुंचाए, उनको रास्ता दिखाए, उनको चाहे संगठन से बाहर करे या उनकी जिम्मेदारियों का फिर से पुनर्विचार करे, रिव्यू करे, जो भी करे, ये स्थिति है, ये समय सही समय है? और दूसरा, क्या कांग्रेस का नेतृत्व इतना सक्षम दिख रहा है कि इस तरीके की कार्यवाही कर पाएगा वो? रामप्रकाश जी, देखिए कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अभी भी अंदरूनी और बाहरी दोनों स्तरों पे है। उसको अपने आंतरिक ढांचागत चीज पे भी लड़ना है। कांग्रेस को एक चीज करनी पड़ेगी, एक अपनी केडर पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। केडर पॉलिसी बना के ये तय करना पड़ेगा। एक बार राहुल जी ने प्रयास भी किया था कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं, बहुत साफ साफ तौर पे, उसको बहुत कठोरता से लागू करना पड़ेगा। और दूसरा, अनुशासनात्मक कार्यवाही को मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी में, दुनिया की कोई राजनीतिक पार्टी में अनुशासन नहीं होता है तो लोग छोड़ के जाएं या लोग ना जाए उसका असर नहीं होता है, क्योंकि वो सारे के सारे काम उस पार्टी के अंदर रहकर भी कर सकते हैं जो उस पार्टी के लिए नुकसानदेह है। तो एक अनुशासनात्मक और एक केडर पॉलिसी, इन दो पे सही समय है। सही समय राजनीतिक दल के लिए हमेशा सही समय होता है। अब सही समय उस समय भी था जब कांग्रेस कमजोर थी चुनाव से पहले, अब और ज्यादा सही समय है कि मजबूत है, यकीन बंधा है नेतृत्व पे भी और संगठन पे भी। तो ये ठीक समय है जिस पे कांग्रेस को संगठन में का विस्तार करना चाहिए, गांव-गांव तक करना चाहिए और उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम लोग जो राजनीति विज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं और जो थोड़ा सा समाज का जानते हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वोट की ताकत से, सिर्फ वोट की ताकत से आरएसएस का मुकाबला किया जा सकता है या भारतीय जनता पार्टी को, जो उसकी राजनीतिक इकाई है, उसी से हराया जा सकता है। नहीं, उससे एक सांस्कृतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पिछले 5 सालों में ये जो आज रिजल्ट आए हैं वो एक सांस्कृतिक लड़ाई थी। किसान आंदोलन हो या जिस तरीके से युवाओं अलग अलग रचनात्मक कामों से इनको चुनौती दे रहे थे, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये वोट की गिनती है, इससे बहुत आगे जाकर हमारी संस्कृति में उन तत्वों को आगे लाना पड़ेगा जो जो भारतीय हैं और जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मूल्य और जो प्रतीकों से हम अंग्रेजी साम्राज्य से लड़े थे। एक बात और है, एक बात यह है कि अभी कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को ये साफ तौर पे इस देश की जनता ने संकेत दे दिया है कि जो एक नैरेटिव बनाया था कि मोदी जी हार नहीं सकते या मोदी जी कभी सत्ता से बाहर जा नहीं सकते, अब साफ हो गया
कि वो हार भी सकते हैं उनकी उनके नेतृत्व में, और वो सत्ता से बाहर भी जाएंगे, उसके नजदीक आ गए हैं। तो अब विपक्ष को आफ्टर मोदी का नैरेटिव सेट करना चाहिए कि मोदी के बाद का भारत हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जनता ने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के बाद भारत संभव है। जो वो कह रहे थे कि मोदी जी के बाद भारत संभव ही नहीं है, तो मोदी के बाद के भारत में युवा एजुकेशन कैसी होगी, किस तरीके की रोजगार की स्थिति होगी। और आप ये देखिए कि क्राइसिस इतना बढ़ने वाला है कि नरेंद्र मोदी की गठबंधन की सरकार संभाल नहीं पाएगी, चाहे चाहे एग्रीरियन क्राइसिस हो, चाहे खेती का संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे रोजगार का संकट हो, चाहे महंगाई का संकट हो, वो अभी अपने पीक पर है। और जिन नीतियों और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं उससे उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई सुधार की गुंजाइश लंबे समय तक नहीं दिख रही। वो ज्यादा बढ़ेगा, सोसाइटी में हिंसा और एक अराजकता ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए ये बहुत सटीक समय है कि मुद्दों को लगातार, जैसे विजय सर कह रहे थे, लगातार उठाए रखना चाहिए। और अब जो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा था, बहुत थोड़ा सा डरा सहमा था, उसकी जरूरत नहीं रही। अब सिर्फ मुझे तो लगता है कि विपक्ष को हर रोज मोदी से सवाल पूछने चाहिए। अब वो कितना जवाब देते हैं, गेंद आपके पाले में है, आप जनता के पाले में है। और एक बात और वो विशेषकर है कि जनता इस देश की है, वो अभी विपक्ष के पक्ष में है, उसके साथ है। तो अभी कोई भी राजनीतिक विपक्ष का दल जो है वो किसी भी जगह जहां कमजोर है वहां काम करेगा तो वो संगठन का विस्तार कर पाएगा, वो काम करेगा तो वो मुद्दे उठेंगे। और अभी आप एक चीज और देखिए कि मीडिया के सुर तो बदले हैं, लेकिन कॉरपोरेट मीडिया के से बहुत यकीन नहीं है। वैकल्पिक जो मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, वैकल्पिक चीजें खड़ी करनी पड़ेगी, वैकल्पिक राजनीति पे बात करनी पड़ेगी और नीतियों के विकल्प पे बात करनी पड़ेगी। शुक्रिया जी।